अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको इंशा अफरीदी और शाहिद अफरीदी की शादी की मुकम्मल वीडियोस और तस्वीर शेयर करेंगे और साथ ही आपको रुखसती की वो तमाम लम्हात भी शेयर करेंगे और ये तमाम मनाजिर आप हमारी वीडियो में देख सकेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, शाहिद अफरीदी की दूसरी बेटी इंशा अफरीदी की शादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मुनक्कद की गई। शादी की तकरीबात का आगाज मेहंदी की तकरीब से हुआ, जिसमें इंशा अफरीदी ने मेहंदी में एक अलग अंदाज से फर्शी लहंगा पहना, जिसकी कीमत पाकिस्तानी 7 लाख रुपए बताई जाती है। इंशा अफरीदी ने अपनी वेडिंग के तमाम ड्रेसेस को दुबई के डिजाइनर से तैयार करवाए और इतना ही नहीं, शादी के तमाम इवेंट्स को दुबई के मशहूर वेडिंग प्लानर से करवाए गए। सूरत हॉल और उसकी सजावट में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इंशा अफरीदी और शाहिद अफरीदी की शादी की तकरीब में तमाम मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अलावा शोबिस इंडस्ट्री के तमाम मशहूर अदाकारों ने भी शिरकत की, जिसमें शाइजा लोधी, फहद मुस्तफ़ा और जवेरिया सऊद भी शामिल थे। तकरीब में बाबर आजम की सरप्राइज एंट्री से शादी के इवेंट में 4 चांद लग गए। तमाम ही लोगों ने बाबर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। तो वहीं पर ये बात भी सामने आई कि बाबर आजम और शाहिद अफरीदी की नाराजगी की जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो सरासर बेबुनियाद थी। बाबर आजम और शाहिद अफरीदी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इंशा अफरीदी की रुखसती के लम्हात जहाँ पर बहुत ज्यादा रुला देने वाले थे, तो वहीं पर इंशा अपने वालिद शाहिद अफरीदी के गले लगकर खूब रोती रहीं, जिस पर शाहिद अफरीदी भी रो पड़े। आया था घर में नूर, अभी कल की बात है, रुखसत भी हो रहा है वो आंखों के सामने, डूबा हुआ भी है तेरे बाबा का दिल, मगर उम्मीद सुबह नो उसे आई है थामने। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इंशा अफरीदी की शादी की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।